नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। यूक्रेन और रशिया के कन्फ्लिक्ट की अगर बात करते हैं तो लगातार काफ़ी सारी वायरल वीडियोस जो है निकलकर सामने आ रही हैं, और वहां पर अभी भी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं या अगर बात करते हैं भारत की, तो काफ़ी सारे बच्चे जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं और लगातार उनको इवैक्यूएट करने की बात जो है सामने नज़र आ रही है। और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो वहां से इवैक्यूएट किए गए हैं। जैसे कल की अगर बात करते हैं तो पहला बैच जो है इंडियन बच्चों का यानी मुंबई में आ चुका था, और जम्मू कश्मीर के भी काफ़ी बच्चे थे जो यहाँ पर लाए गए थे। उसके बावजूद भी काफ़ी सारे तादाद में बच्चे जो है अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और लगातार गवर्नमेंट से यही डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें अपने देश जो है वापस लाया जाए। इसी में यूक्रेन की अगर अपडेट्स की बात करते हैं तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 198 लोग जो है वहाँ पर मारे जा चुके हैं। इसी के साथ साथ 1000 से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर इंजर्ड हैं, और जिस तरीके की लगातार वीडियोज़ वहाँ से निकल कर सामने आ रही है, एक बहुत बड़ी चौंकन्ना करने वाली बात है। क्योंकि वॉर की अगर बात करते हैं तो उसको लेकर काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट जहां शुरू हुए हैं, जिस तरीके से लोगों को कहा जा रहा है कि छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक जो है इस वॉर में पार्टिसिपेट करें, लेकिन उनका ये कहना है कि हम इस वॉर के लिए तैयार नहीं है, एक बड़ी बात सामने निकल कर आती है। फिलहाल गवर्नमेंट से जो बच्चे बाहरी देश के फंसे हुए हैं वो यही डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें इवैक्यूएट करके अपने देश जो है वापस भेजा जाए। वहीं पर काफ़ी सारे ऐसे बैचेस जो है अभी तक आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना ही सिर्फ भारत की अगर बात करते हैं बाकी भी कई देशों के जो है वहाँ पर फंसे हुए हैं। और लगातार इस तरीके की वीडियोज़ जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर लगी है कन्फ्लिक्ट की अगर बात करते हैं निकलकर जिस तरीके से सामने आई है, एक बहुत बड़ी चौंका देने वाली जो घटना है वो देखने को मिलती है। Я не бачу. Ой, Боже. Я не бачу. Ой, Боже. Я не бачу. Ой, Боже.